में पॉइंट्स लिख रहे थे, जिसमें पहला पॉइंट तो हमने नॉर्मल टू पैराबोला वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4 × x - s लिखा था। हाँ सर। फिर बाकी 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास पर नॉर्मल देखे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स ड्रॉन एट P1 एंड QT2 विल बी। नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T1 और T2 पे जो नॉर्मल्स ड्रा करें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यह है PT1, इस पे नॉर्मल ड्रा किया, QT2 इस पे नॉर्मल है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर है अगर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। टेंजेंट में बताया था आपको पॉइंट, यस सर, क्या होता है A T1 T2 A T1 + T2, ऐसे यहां पर होता है क्या होगा A T1² + T2² + T1 T2 + 2 - A T1 T2 × T1 + T2। ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, बड़ा फॉर्मूला है ठीक है, रिलेटिवली कम आया है क्वेश्चंस में तो इसलिए याद नहीं है, हो तो आप जैसे टेंजेंट में लिखा था वैसे ही आप इसको एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वैसे ही प्रूव कर सकते हैं अगर क्वेश्चंस में जरूरत पड़ रही है आपको, डायरेक्ट याद हो जाए तो और अच्छा है। पैराबोला था यहाँ y² = 4ax, तो इस पे पॉइंट t1 क्या होगा A T1², 2A T1 और ये T2 A T2², 2A T2 ये पॉइंट ठीक है। तो इस पे नॉर्मल लिखते हैं, नॉर्मल एट PT1 एंड QT2, T1 पे नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म में y + T1x = 2A T1 + A T1³, ये था ना पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की क्वेश्चन याद होगी आपको, यस सर, ये तो बताई थी, बताइए ऐसे T1 की जगह T2 लिख दो तो y + T2x = 2A T2 + A T2³ लिखो भाई। अब दोनों से x और y सॉल्व कर लीजिए, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, y कैंसिल, क्या मिलेगा T1 - T2 × x = यहां से 2A T1 - T2 + A T1³ - T2³, T1 - T2 कैंसिल होगा, यहां से आएगा x = 2A + A × T1 - T2 कैंसिल किया, बचा क्या T1² + T2² + T1³, ये कॉमन लोगे यही आ गए, ये लिखा देखो x क्वाड्रेंट ऐसे x किसी में रख दो उससे y आ जाएगा, ये y निकालो यहां से T2 मल्टीप्लाई करो इसमें T1 मल्टीप्लाई करो सबट्रैक्ट कर दो, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्लियर है पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 लिख दिया मैंने, क्या 1 ही लिख रहे या 3 कर देते हैं, फर्स्ट 2 पॉइंट हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 4, किसी भी पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं पैराबोला पे, टेंजेंट कितनी ड्रा कर सकते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट है तो 2 होती है ठीक है, तो ऐसे ही नॉर्मल कितने ड्रा कर सकते हैं नाम एनी पॉइंट, ठीक है कोई पॉइंट है पीएच का मके ले लेते हैं, कितने नॉर्मल ड्रा कर सकते हो, 1 ड्रा कर सकते हैं और 3 तीन, एम की तीन वैल्यू आएंगी ना सर, थ्री नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम 3 रियल नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला, 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स आ सकते हैं ठीक है, पैराबोला में 3 हो सकते हैं।
टेंजेंट सब में एक्सटर्नल पॉइंट है तो दो ही होती है, फिक्स है। पॉइंट कर्व पे है तो एक होती है, पॉइंट कर्व के अंदर है तो कोई नहीं आती है, टेंजेंट फिक्स है। नॉर्मल सब में अलग अलग है, नॉर्मल पैराबोला में तीन है किसी पॉइंट से, इलिप्स और हाइपरबोला में चार चार है, सर्कल में, सर्कल तो पढ़ चुके, बताओ किसी पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इनफाइनाइट ये सर्कल है, इस पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, केवल एक, इसको सेंटर ड्रॉ करो वो नॉर्मल है, कोई भी पॉइंट यहाँ है इससे कितने नॉर्मल ड्रॉ करोगे, लेकिन वो पॉइंट अगर सेंटर हो गया तो इनफाइनाइट, सेंटर के अलावा कोई पॉइंट है तो वन, लेकिन सेंटर है तो इनफाइनाइट, इस बात ये है सर्कल। पैराबोला में तीन क्यों देखते हैं सर, इनसाइड सर्कल को भी पॉइंट होगा तो भी इनफाइनाइट नहीं होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पॉइंट ले लो, बताओ कौन सा नॉर्मल, वैसे जो सेंटर ज्वाइन करते हैं वो नॉर्मल होता है, देखते हैं इसको फ्रॉम एनी पॉइंट पी एच कमा के मैक्सिमम तीन नॉर्मल्स ड्रा कर सकते हैं पैराबोला पे, जैसा कि यहाँ पे कोई पॉइंट है इंटरनल एक्सटर्नल कहीं भी पॉइंट है, यहाँ पॉइंट पी एच के, देखिए एक नॉर्मल ये ड्रा कर दिया, सेकेंड पी बी, थर्ड पी सी, अरे डायग्राम से नहीं पता चलेगा, डायग्राम में तो फिर कहेंगे कि वो भी दिख रहा है नॉर्मल, ये भी दिख रहा है ना, इक्वेशन से दिखाई देगा, जैसे क्वाड्रेटिक बन जाती थी टेंजेंट में, एम वन प्लस एम टू, एम वन एम टू लिखते थे हम लोग, दो आ जाते थे, ऐसे यहाँ क्यूबिक बनेगी, देखते हैं कैसे। मान लीजिए इसे जो भी नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं उसकी इक्वेशन क्या है, स्लोप फार्मूले लेते हैं, लेट नॉर्मल टू पैराबोला भी y is equal to mx minus 2am minus am cube, ये होता है नॉर्मल, y is equal to mx minus 2am minus am cube, अब इसी पैराबोला पे ये पॉइंट एच के, सिंस पी एच के ही आने तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो k बराबर mh minus 2am minus am cube, ये बन गया am cube प्लस टू ए माइनस एच इंटू एम प्लस के इज इक्वल टू जीरो, ये हमें क्या रही है क्यूबिक, क्यूबिक तो कितने रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम तीन डिफरेंट रियल रूट हो सकते हैं, तो इसका तीन नॉर्मल आ सकते हैं, अगर एक रियल है दो इमेजिनरी है तो एक रियल नॉर्मल आएगा, दो रूट इक्वल हो गए तो दो हो जाएंगे, दो साइड आ जाएंगे, ठीक है, तो क्यूबिक है सिंस देयर मैक्स विद थ्री रियल रूट्स, देयरफॉर थ्री नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन, लेट अस अज्यूम इसके रूट्स हैं m1 m2 m3, जब क्वेश्चन में h के दिया होगा a दिया होगा तो हो सकता है आप आसानी से फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज कर लो उससे आ जाएंगे नॉर्मल्स, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा तो आप फिर वही सम ऑफ रूट्स प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स पे जाओ, यहां से देखिए m1 plus m2 plus m3 सम ऑफ रूट्स क्या हो बताइए, ये तो बता सकते हैं, पहला माइनस फिर प्लस, तो अब ये आएगा 2ah माइनस a अपॉन a, m1 इनटू m2 इनटू m3 माइनस k by, ये होगा माइनस k by, ऐसे इससे रिलेटेड रिलेशंस हम लोग ले सकते हैं, जो थ्री नॉर्मल्स हैं उनके स्लोप रिलेटेड रिलेशन नोट कर लीजिए और बताते हैं आपको पॉइंट, तो ये पॉइंट ए बी सी के क्वाड्रेंट बता सकते हो क्या, कि ए बी सी का क्वाड्रेंट क्या होगा, ए का क्वाड्रेंट बोलो क्या होगा, हाँ मेरा नहीं, हाँ
सर स्लोप एम वन है सर, तो टी स्क्वायर ए बाई एम वन स्क्वायर माइनस टू एम वन। हम बताया था आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जो स्लोप फॉर्म में नॉर्मल हो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए एम स्क्वायर कामा माइनस टू ए एम होता है, होता है क्या? यहाँ स्लोप एम वन है तो इस पॉइंट का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ए एम वन स्क्वायर कामा माइनस टू ए एम वन, ऐसे इसको कहेंगे ए एम टू स्क्वायर कामा माइनस टू ए एम टू, ए एम थ्री स्क्वायर कामा माइनस टू ए एम थ्री। ये पॉइंट एबीसी का क्वाड्रेंट लिखने हो तो जाएंगे, बहुत जरूरी है जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप ठीक से रिवाइज करते जाएं, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको वापस करें, सबसे पहले वो जरूरी है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है जी मेंस में, तो कम से कम इतना तो जरूर करें। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है यही नॉर्मल में, को नॉर्मल पॉइंट्स। को नॉर्मल पॉइंट्स किसे कहते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स बताइए किसे कहेंगे, को नॉर्मल पॉइंट किसी को भी कहेंगे, ये जो ए बी सी है इन्हें कहते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स। ए बी सी क्या प्रॉपर्टी है कि इन तीनों पॉइंट्स जो पैराबोला पे जो पॉइंट्स हैं उन पे नॉर्मल्स कॉन्करेंट हो, एक ही पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करें, या फिर ये कह सकते हैं एक पॉइंट से जब नॉर्मल ड्रा किए गए तो जाके जहां पैराबोला को इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं फिट ऑफ नॉर्मल्स। क्या बोलते हैं, फिट ऑफ नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट आर नोन एज कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं हिट ऑफ नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, हिट ऑफ द नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कोनॉर्मल पॉइंट। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो पॉइंट्स ऑन पैराबोला ऑन विच नॉर्मल्स आर कॉन्करेंट। ठीक है, पॉइंट्स ऑन पैराबोला फ्रॉम विच नॉर्मल्स आर कॉन्करेंट। ठीक है, दैट इज ए बी सी इन डायग्राम। इस डायग्राम में जो ए बी सी पॉइंट है यही फिट ऑफ नॉर्मल्स है, यही को नॉर्मल पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्लोप्स ऑफ सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल्स, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल्स ड्रॉन थ्रू को नॉर्मल पॉइंट्स, ड्रॉन थ्रू को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट से जो नॉर्मल्स ड्रा किए गए उन सभी का स्लोप्स का सम क्या होगा, जीरो। इन सभी स्लोप्स का सम जीरो होगा। सर ये को नॉर्मल पॉइंट्स एक बार डायग्राम तो बता दो कहां पे, ए बी सी। ठीक है, दो को मैंने पकड़ लिया, तीसरा नहीं पकड़ पा रहा है, ए बी और ए सी, ये तीन। ओके सर, डायग्राम में जिनसे जिन पॉइंट से नॉर्मल्स एक ही पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है कॉन्करेंट, या फिर एक पॉइंट से तीन नॉर्मल्स ड्रा कर रहे हैं वो जहां जाके पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन्हीं को कहते हैं फिट ऑफ नॉर्मल्स। सेकंड, देखिए सम ऑफ स्लोप जीरो है, कैसे, यहां m1 + m2 + m3 जीरो था ना, m1 m2 m3 ये लिखा है, m1 + m2 + m3 is equal to सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स दैट इज आल्सो जीरो। ऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस टू ए एम वन प्लस माइनस टू ए एम टू
प्लस माइनस टू ए एम थ्री, माइनस टू ए कॉमन लिया आपने, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री जीरो है, तो ये भी जीरो आ गया। वाई कोऑर्डिनेट जो है उनका सम जीरो होता है को नॉर्मल पॉइंट्स के, नोट कर लीजिए। दो पॉइंट और लिखेंगे पैरा नॉर्मल पर, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। If normal at any point P, P1, meet the parabola y square is equal to 4ex, again at QT2, then T2 will be equal to minus T1 minus 2 upon T1. नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रखना है इसको। T1 किसी पॉइंट T1 पे नॉर्मल जाकर के, वो पॉइंट जिसका पैरामीटर T1 है, वो आगे जाके पैराबोला को फिर से किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वहां पे नॉर्मल नहीं है, क्यू पे, P पे नॉर्मल है, क्यू पे इंटरसेक्ट किया तो उसका पैरामीटर अगर T2 है तो क्या है, T2 बराबर होता है माइनस T1 माइनस 2 का पॉइंट T1, ठीक है। अब देखते हैं कैसे है, सिंपली नॉर्मल लिखिए और उससे आप T2 से सेटिस्फाई करा लीजिए, आ जाएगा। नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला, जो कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4 है, इस पर किसी पॉइंट P पे नॉर्मल T1 मींस क्या है, a T1 स्क्वायर 2 a T1, ये आगे जाके Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, Q है T2 इसका पैरामीटर, कोऑर्डिनेट होगा ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू, इसमें मिला, तो ये कंडीशन हो, लिखते हैं इसका एक्सप्रेशन। नॉर्मल एट पी टी वन विल बी, नॉर्मल एट पी टी वन पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन, अनुज बताओ क्या बताए थे, y plus a t1 equal to 81 plus a t1, y plus a t1 नहीं, y plus t1x, y plus tx था, y plus t1x is equal to 2 a t1 plus a t1 cube, देखा अभी भी लिखा था इससे पहले भी, oh, x, ठीक है, y plus t1x is equal to 2 a t1 plus a t1 cube, यह है normal at t1। अब ये t2 इसी के ऊपर है तो t2 से सेटिस्फाई करेगा, तो सिंस qt2 दैट इज a t2 स्क्वायर कॉमा 2 a t2 इस आने, तो इसको रखिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो y की जगह लिखोगे 2 a t2 प्लस t1 into a t2 स्क्वायर, तो a t2 स्क्वायर t1 बराबर 2 a t1 प्लस a t1 क्यूब आएगा। यहां से देखें ए कैंसिल, तो टू टी टू माइनस टी वन, इसको उस तरफ ले आते हैं, क्या कॉमन होगा, टी वन कॉमन हो गया, टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर, माइनस भी कॉमन ले लो, इसको लिखोगे टी टू माइनस टी वन इंटू टी टू प्लस टी वन, इधर है 2 t2 माइनस t1, ये कैंसिल, इस माइनस t2 से डिवाइड करेंगे और t2 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा t1 को, पर यहां t1 कॉमन था ना, t1
T1 से डिवाइड कीजिए और T1 को इधर ले जाइए तो T2 बराबर कितना आ गया माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1। ये रिजल्ट है, देखिए लोग ऐसे कर सकते हैं, बाकी याद रखें ज्यादा बेटर है। इसे नहीं याद है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन नॉर्मल इक्वेशन ये सभी याद होंगे तभी तो कुछ ना कुछ कुछ पॉइंट तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और नहीं याद करेंगे तो पता चला वही जाम में ही पैराबोला पढ़ने पर बैठ गए पूरा शुरू से अगर लास्ट तक। हाँ, अगर हम प्रूफ भी करने लगेंगे कि नॉर्मल कैसे आया पहले, ठीक है, फिर टेंजेंट लिखोगे, फिर उससे नॉर्मल लिखोगे एरोमेट्रिक में, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, है ना, तभी तो बट आएगा। इफ लास्ट पॉइंट सिक्स, इफ नॉर्मल साइड पी टी वन एंड क्यू टी टू ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a meet at RT3 on the curve, on the parabola, then condition hai T1 T2 barabar 2 and T3 barabar minus T1 minus T2, T1 और T2 पे नॉर्मल, T1 पे भी नॉर्मल रख दिया, T2 पे भी, दोनों जाके इंटरसेक्ट कर गए कहां T3 पर, और T3 कहां है कर्व के ऊपर ही पैराबोला पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये कंडीशन है। देखिए बेटा जो ऐसे T1 पे नॉर्मल एंड T2 पे नॉर्मल, T1 पे और T2 पे जाके मिल गया RT3 पे, ये तो R से भी एक नॉर्मल होगा वही, तो इन तीनों नॉर्मलों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया T3 हो गया, जो HK था वो T3 पे शिफ्ट हो गया एक तरह से, ये T1 T2 T3 क्या हो गया को नॉर्मल पॉइंट, को नॉर्मल पॉइंट है तो इनके ऑर्डिनेट का सम या स्लोप ऑफ माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 ये जीरो होगा सम, मतलब हम कह सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर जीरो होगा, क्योंकि ये को नॉर्मल पॉइंट हो गया तो T3 बराबर कितना आ गया माइनस T1 माइनस T2, ये लिखा हुआ है सेकंड, ये लिखा, ठीक है, ये अब देखिए T1 पे नॉर्मल जाकर T3 पे मिला, T1 पे नॉर्मल T2 पे मिले तो इस पॉइंट से T2 बराबर होता है माइनस T1 माइनस 2 / T1, यहां से आएगा T3 बराबर माइनस T1 माइनस 2 / T1 और ऐसे T2 पे नॉर्मल T3 मिला तो T3 बराबर माइनस T2 माइनस 2 / T2 भी होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस कैंसिल, इसको इस तरफ ले आओ T1 माइनस T2 बराबर 2 / T2 माइनस 2 / T1, एलसीएम लोगे T1 माइनस T2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 T2 बराबर 2, ये आंसर, ये तो रिजल्ट बताया आपको, नोट करिए, क्वेश्चंस करते हैं। को नॉर्मल पॉइंट कैसे हो गए बोले बता दो, को नॉर्मल पॉइंट कैसे हो गए RT3 जो P पे नॉर्मल, Q पे नॉर्मल और R पे नॉर्मल, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, वो जो HK पॉइंट था वो शिफ्ट होकर के पैराबोला पे ही आ गया है, उन तीनों में से ही एक पॉइंट बन गया। क्वेश्चन देखें, फर्स्ट वन, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y square is equal to 4x parallel to line y is equal to 3x plus 4
ट्राइंग इसको फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैरेलल टू लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इस लाइन के पैरेलल इस पैराबोला पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है कल टू 3x माइनस 33 यही आर वन हाँ इसी से एक ये नॉर्मल ये तीन नॉर्मल हो गए ना 1 2 3 को नॉर्मल आर हाँ नहीं को नॉर्मल तीनों है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर बस स्लोप पता चलेगा फटाफट लिखना है वाई कल 3x माइनस 33 3x minus 33. 3, y is equal to 3x minus 33. This line के parallel, मतलब slope कितना हुआ? M बराबर 3. Parabola है, y is equal to 4x. मतलब 4a बराबर 4. तो a बराबर 1. Normal की equation क्या होती है? Slope form में. Slope जिसका मालूम है, तो उसका slope है M. इसका parallel है, तो इसका slope और उसका slope same हुआ? नॉर्मल का स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर नॉर्मल की क्वेश्चन होती है y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यों यहाँ a और m दोनों पता है आपको रख लीजिए तो y बराबर आ गया 3x माइनस 2 इनटू 3 6 माइनस 27 y इज इक्वल टू 3x माइनस 33 ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 देंगे If the line x plus y is equal to 1 is normal to parabola y square is equal to kx, then find k. तो k की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए ये लाइन जो है इस पैराबोला पर नॉर्मल y स्क्वायर इज इक्वल टू kx पर फोर बाय थ्री ठीक है 4/3 क्या करना है ये लाइन जो है y बराबर माइनस एक्स प्लस 1 हो गई क्वेश्चन इस पे स्लोप फॉर्म में डालो क्वेश्चन लिख लीजिए दोनों को इक्वेट कर दी यहाँ 4a बराबर k है तो a की वैल्यू कितनी होगी k बाई 4 तो नॉर्मल की क्वेश्चन होती है y बराबर mx माइनस 2am a की वैल्यू होगी k बाई 4 m माइनस am क्यूब तो k बाई 4 m क्यूब ये हुई क्वेश्चन y इक्वल टू mx a की जगह k बाई 4 लिख दिया बस ये सेम इक्वेशन लिखिए दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि ये लाइन ही नॉर्मल है तो 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन सिंस 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन इसको इक्वेट करते हैं y का कोएफिशिएंट इक्वल है तो बाकी कोएफिशिएंट भी इक्वल होंगे तो x का कोएफिशिएंट देयरफॉर m बराबर -1 ठीक है कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे एंड -2 k / 4 m माइनस के बाई 4 एम क्यूब इज इक्वल टू 1 हुआ एम की वैल्यू रखोगे -1 तो कितना आ गया यहां से 2k / 4 यहां माइनस का 1 का क्यूब -1 तो प्लस k / 4 इज इक्वल टू 1 3k / 4 इज इक्वल टू 1 तो k की वैल्यू 4/3 सिंपल है ये क्वेश्चन नंबर 2 3 लिखिए एक नॉर्मल टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है पासेस थ्रू
थ्री कॉमा जीरो देन फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो नॉर्मल की इक्वेशन कैलकुलेट करें. और इसको करें क्वेश्चन नंबर थ्री. तो इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करें. क्वेश्चन नंबर थ्री बताइए क्या क्या आंसर हो रहा है. थ्री जीरो से नॉर्मल पास हो रहा है तो नॉर्मल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है. पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स. सर इसके तीन आंसर आएंगे. हाँ तीन आंसर आएंगे. पॉइंट तो दिया है फिर उससे आ जाएगी क्वेश्चन. तो क्या है y square is equal to 4x. 4a बराबर 4 तो a की वैल्यू है 1. नॉर्मल की इस पे इक्वेशन लिख लीजिए. नॉर्मल इक्वेशन क्या हुई y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू. ठीक है और इसमें ये किससे पास हो रहा है थ्री कॉमा जीरो से. तो थ्री जीरो इसको सेटिस्फाई करा दोगे. तो सिंस थ्री कॉमा जीरो इज ऑन इट y की जगह रखो जीरो x की जगह रखा थ्री. 3m a की वैल्यू 1 है तो माइनस टू एम माइनस एम क्यूब. चले एम क्यूब माइनस एम बराबर जीरो. एम कॉमन ले दो एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. एम की वैल्यू क्या आ गई जीरो और एम स्क्वायर इक्वल टू वन तो मतलब प्लस माइनस वन तो वन माइनस वन. ये इसमें रख दोगे नॉर्मल की क्वेश्चन आ जाएगी. तो नॉर्मल की इक्वेशन चलिए देखिए क्या एम की वैल्यू एक बार जीरो की कितना जाएगा वाई इक्वल टू जीरो. वन रखिए और ए वन रखिए तो वाई बराबर एक्स माइनस थ्री और माइनस वन रखेंगे माइनस एक्स माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन प्लस हो जाएगा प्लस थ्री. ये आंसर आ रहा है. ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर. फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं. इफ अ कॉर्ड विच इज नॉर्मल टू पैराबोला. इफ अ कॉर्ड विच इज नॉर्मल टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स एंड इफ अ कॉर्ड विच इज नॉर्मल टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स at one end subtends a right angle at the vertex then find its slope uska slope calculate. एक कॉर्ड है जो क्या है इस पैराबोला के नॉर्मल है एक एंड पर एक पॉइंट पे नॉर्मल है वो वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल बना. तो इस कॉर्ड का स्लोप कैलकुलेट करना है.
प्राइम इक्वल टू जीरो एम इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू जीरो से तो कॉर्ड ही नहीं बनेगी ना बता रहा कृष्ण देखो एक कॉर्ड विच इज नॉर्मल टू पैराबोला जो कि नॉर्मल है पैराबोला किसी एक एंड पॉइंट पर एक पॉइंट पे नॉर्मल पैराबोला की वाई स्क्वायर टू फोर एक्स मान लीजिए इस पी पे नॉर्मल ठीक है ये पी क्यू है ये यहां पर कितना डिग्री का एंगल हुआ 90 डिग्री जो भी कॉर्ड वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वो 4a 0 से पास होती है। ये पहले हम कर चुके हैं कॉर्ड में बताया था आपको याद रखना है इसको उस पॉइंट को याद है तो आसान होगा क्वेश्चन अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है इस पर लिख लें नॉर्मल हो गया y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब देखो अब ये कॉर्ड 4a 0 से पास हो तो 4a 0 इसको सेटिस्फाई करो 4a 0 इज ऑन इट रखेंगे ये आगे 0 इज इक्वल टू 4am माइनस 2am माइनस am क्यूब एक आंसर यहां से आ गया m स्क्वायर माइनस 2m m क्यूब माइनस 2m इज इक्वल टू 0 m बराबर 0 नहीं हो सकता क्यों m 0 होगा तो कॉर्ड नहीं बनेगी 4a 0 से पास होने वाली ऐसी लाइन बन जाएगी और जीरो सर्टिफाई किया ना ये भी नॉर्मल है लेकिन ये कॉर्ड नहीं तो m की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज m इज नॉट इक्वल टू 0 तो m की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस रूट ये आंसर हो m विल बी प्लस माइनस रूट 2 बताएं कोई डाउट है तो ठीक है ये प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं याद है 4a 0 तो आप ओके ले कैलकुलेशन बढ़ जाएगी जितनी प्रॉपर्टीज याद होंगी तो कई क्वेश्चंस में उतना ही कैलकुलेशन कम हो जाएगा है कि नहीं पॉइंट नंबर 5 द नॉर्मल एट एनी पॉइंट क्वेश्चन नंबर हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बोला द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑन पैराबोला एनी पॉइंट पी ऑन पैराबोला y square is equal to 4ax. The normal at any point P on parabola y square is equal to 4ax meets the axis in G. Meets the axis in G. And tangent at vertex. And tangent at vertex A. In y if rectangle GAYQ rectangle GAYQ be completed then find locus of Q which Q point ka locus calculate aisa hi tangent mein bhi kiya tha humne DAYQ wahan bana tha नॉर्मल किसी पॉइंट पी पे एक्सिस को मतलब पैराबोला की एक्सिस को जी पे मिलता है वर्टेक्स ए पर जो टेंजेंट है उसको वाई पे जाके मिलता है एक रेक्टेंगल अगर हम जी ए वाई क्यू बनाए तो क्यू का लोकस क्या होगा कैलकुलेट करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाए जल्दी से मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर तक पैराबोला कंप्लीट हो जाए
फिर दो छोटे टॉपिक इलिप्स हाइपरबोला रह जाएंगे, रिलेटिवली इससे छोटे हैं। कॉनिक में पैराबोला सबसे बड़ा है। एंड इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे, फंक्शन इनवर्स, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये सारा जो 12th में भी आ जाएगा आपके बोर्ड में, जो 12th वाले कैंडिडेट हैं, अब प्लस जेई का तो है, पढ़ाएंगे इसको। डायग्राम नहीं बन रहा है क्या? तो हो गया डायग्राम में, ऐसे देखो किसी पॉइंट पी पे नॉर्मल ड्राफ्टिंग, ठीक है, ये देखा ना, पी पे नॉर्मल नॉर्मल अटैच पॉइंट पी मीट एक्सिस इन जी, एक्स एक्सिस को कहां मिला जी पे, एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए कहां मिला वाई, अब क्या कहा जी ए वाई, जी ए वाई ये परपेंडिकुलर है, क्यू मतलब इससे यहां परपेंडिकुलर एंगल बनाओगे, यहां से इससे परपेंडिकुलर एंगल बनाओगे तो क्या बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल ऐसे ही तो बनता है, दो साइड दिए परपेंडिकुलर, रेक्टेंगल कंप्लीट करना है तो इधर से परपेंडिकुलर रेक्टेंगल बन गया, इसका लोकस निकालना है, ये पॉइंट एच के नहीं, वाई इक्वल टू माइनस एक्स नहीं है, इसका लोकस निकालना है, देख लीजिए क्वेश्चन क्लियर है, डायग्राम आप क्लियर है, अब तो बना लोगे, यही बनाया था इस डायग्राम, तो नॉर्मल के क्वेश्चन क्या लिखे हैं इसमें, तो फॉर्म में लिख लेते हैं, चलो y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू, ऐसे लिखते हैं, एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, जब y की वैल्यू y जीरो होती है, क्या आ गया टू ए प्लस ए एम स्क्वायर, ऐसे ही कैपिटल y निकालना है, एक्स जीरो को, एक्स जीरो के कितना है माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू, ये तो मिला M, तो अपनी तरफ से लिया M के टर्म में आंसर नहीं बता सकते, M स्लोप तो अननोन है, वेरिएबल है, M चेंज होता रहेगा, यहां से देखिए इस लाइन पर खींचे हैं x कोऑर्डिनेट से M, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2a प्लस am स्क्वायर, और उससे k बराबर आ गया माइनस 2am माइनस am क्यूब, इन दोनों से क्या इलिमिनेट करना है, m इलिमिनेट करना है, यहां से माइनस m कॉमन लो, मुझे का 2a प्लस am स्क्वायर दैट इज h, द डिवाइड कर दो k इक्वल टू माइनस m इनटू h, मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई माइनस k बाय h, हमें इन दोनों से क्या इलिमिनेट करना है, m को इलिमिनेट करना, तो इस m की वैल्यू को अब इन दोनों में किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो फर्स्ट में रख दिया, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन h बराबर 2a प्लस a इनटू k स्क्वायर बाय h स्क्वायर, एलसीएम लेंगे h की जगह x, k की जगह y, तो लोकस हुआ x क्यूब बराबर 2ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, देखिए चेक कीजिए सही है, बताइए कोई डाउट है इसमें, x क्यूब इक्वल टू 2ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, prove that two parabolas y square is equal to 4ax and y square is equal to 4c into x minus b cannot have a common normal, cannot have a common normal other than the axis, other than the axis, unless b upon a minus c is greater than
ये दो पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4c इनटू x माइनस b। इनमें एक कॉमन नॉर्मल तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ये वैल्यू b बाई a माइनस c 2 से बड़ी ना हो जाए। बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बनाइए। दो पैराबोला दिए हैं, आगे जाके देखोगे पैराबोला है, इलिप्स है या दो इलिप्स है, पैराबोला और कोई और कर दिया हो, नॉर्मल कॉमन पूछा गया है या कॉमन टेंजेंट पूछा गया, क्या करना चाहिए? दोनों पर ही नॉर्मल इक्वेशन लिख लीजिए या जो भी पूछा गया टेंजेंट पूछा गया टेंजेंट लिख लीजिए, किसमें स्लोप पर में, और दोनों को अगर हम इक्वेट कर देंगे, दोनों अगर एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, और कब नहीं होगा, ठीक है? नॉर्मल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, नॉर्मल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4c इंटू x माइनस b, इस पे नॉर्मल इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस b माइनस 2cm माइनस cm क्यूब, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है? दोनों पे स्लोप फॉर्म में लिख लिया, यहाँ x की जगह x माइनस बी हो गया और c की a की जगह क्या आ गया, c आ गया a। अब ये दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करें तो कॉमन नॉर्मल हो जाएगा, और कॉमन नॉर्मल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, बोथ वन एंड टू शुड रिप्रेजेंट सेम लाइन, सेम लाइन है तो a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2 करो, 1 by 1 बराबर x कोएफिशिएंट 1 m by m1, तो ये भी 1 होना चाहिए, या तो एक भी कोएफिशिएंट सेम है तो बाकी कोएफिशिएंट भी सेम होनी चाहिए, तो y का कोएफिशिएंट सेम है, x का कोएफिशिएंट सेम है, तो बाकी कांस्टेंट वाला टर्म भी इक्वल होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे माइनस 2am माइनस am क्यूब, यहां से आया c कांस्टेंट और यहां से मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद माइनस bm माइनस 2cm माइनस सी एम क्यूब, ठीक है? यहां से देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला डायग्राम भी थोड़ा देते हैं, वर्टेक्स ये, इसकी एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, ये भी नॉर्मल है, देखिए टेंजेंट होती है टेंजेंट एट वर्टेक्स, जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर एक्सिस जो पैराबोला की वो पैराबोला पे नॉर्मल है, ठीक है? वर्टेक्स पे वो नॉर्मल होती है, ऐसे 4c * 2x - b इसका वर्टेक्स का बी जीरो, इसकी एक्सिस भी एक्स एक्सिस है, ये भी नॉर्मल है, इस पे ये एक कॉमन नॉर्मल है दोनों का, क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट टू पैराबोलास कैन नॉट हैव अ कॉमन नॉर्मल अदर देन एक्सिस, एक्सिस तो है ही, उसके अलावा
एन बराबर जीरो वाला केस हमें यहाँ नहीं लगा, एन बराबर जीरो इसका स्लोप जीरो, तो एन कैंसिल कर दोगे, माइनस कैंसिल हुआ, यहां से टू ए प्लस ए एम स्क्वायर बराबर बी प्लस टू सी प्लस सी एम स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ गई, ए माइनस सी इंटू एम स्क्वायर बराबर बी प्लस टू सी माइनस टू ए, इस ए माइनस सी से डिवाइड करो तो एम स्क्वायर बराबर बी अपॉन ए माइनस सी, यहां से माइनस टू कौन लो, माइनस टू ए माइनस सी कैंसिल, एम बराबर प्लस माइनस रूट ओवर बी अपॉन ए माइनस सी माइनस टू। अब बी अपॉन ए माइनस सी अगर टू से बड़ा होगा तो वैल्यू रियल आएगी, तो कॉमन नॉर्मल आएगा, क्वेश्चन में लिखा कैन नॉट हैव अ कॉमन नॉर्मल अनलेस, जब तक बी अपॉन ए माइनस सी टू से बड़ा ना हो जाए, तो बी अपॉन ए माइनस सी टू से बड़ा होगा तो कॉमन नॉर्मल आएगा, एम की वैल्यू आएगी, और अगर टू से बड़ा नहीं होगा तो कॉमन नॉर्मल नहीं आएगा एक्सिस को छोड़ के। कोई डाउट? ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेवन लिखेंगे, इफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी स्क्वायर देन प्रूव दैट, अ पॉइंट कैन बी फाउंड, अ पॉइंट कैन बी फाउंड सच दैट two tangents of it two parabola y square is equal to 4ax are normal to parabola x square is equal to 4by if a square is greater than 8b square then prove that a point can be found, ek point lega such that two tangents from it, isse do two tangents draw karte hain kis parabola pe, y square is equal to 4ax pe, wo is parabola pe kya honge normal, to kya hai first parabola pe tangent aur second pe normal, same line, तो आप फर्स्ट पे टेंजेंट क्वेश्चन लिखो, सेकंड पे नॉर्मल क्वेश्चन लिखो, इक्वेट करो, कंडीशन इसके बाद आ जाएगी अपने आप। क्वेश्चन नंबर सेवन, ए स्क्वायर एट बी स्क्वायर से ग्रेटर है तो इस पे टेंजेंट, फर्स्ट पे टेंजेंट, सेकंड पे नॉर्मल, तो अब तो सिंपली फर्स्ट पे टेंजेंट लिखो और सेकंड पे नॉर्मल स्लोप फॉर्म में दोनों में, और फिर इक्वेट करो, क्या है टेंजेंट ऑन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए, इसका टेंजेंट क्या होगा, वाई बराबर एम एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, एंड नॉर्मल
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी वाई पर y is equal to, सेम स्लोप फॉर्म में लिखना है, स्लोप वाला याद कीजिए फिर अलग से निकाल करके फिर यहाँ रखिए बताया है आपको भूल गए तो हमने क्या भाई आप भूल जाए मैं भी भूल जाऊँ बता रखा है ना स्टैंडर्ड y equal to mx plus 2b minus plus b by m square plus 2a a की जगह है b plus b by m square m square तो फिर उससे फिर स्लोप में लिखिए आप बताया ना आपको सेम स्लोप रखेंगे तभी तो इक्वेट कर पाएंगे नहीं तो m डैश रखना होगा फिर कंपेयर कर पाएंगे कंपेरिजन टफ होता जाएगा आप जितना आसान करना चाहेंगे ठीक है उसको अलग से स्लोप पार में कन्वर्ट कर ले याद नहीं है तो और नहीं तो याद रखें और मुझे तो याद रखे रहने आप सोचें कि मैं भी आपके स्टैंडर्ड पे आ जाऊं तो फिर कैसे होगा दोनों एक जन मिलाएंगे ये है दो ये टेंजेंट इस पे नॉर्मल है मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेम वन एंड टू रिप्रेजेंट सेम लाइन y का ऑप्शन सेम है x का ऑप्शन सेम तो कांस्टेंट टर्म भी सेम होना चाहिए तभी हो जाएगा इक्वल तो a अपॉन m इज इक्वल टू 2b plus b अपॉन m स्क्वायर पहले जो मेरे यहां से क्या आ गया 2b m स्क्वायर माइनस am plus b इज इक्वल टू 0 m में एक क्वांटिटी था वापस अब एक बार लैंग्वेज को पढ़ते हैं a स्क्वायर ग्रेटर देन प्रूव दैट अ पॉइंट कैन बी फाउंड सच दैट टू टेंजेंट्स मतलब ऐसी दो लाइंस होनी जो कि इस पे टेंजेंट है और इस पे नॉर्मल है दो कब होंगी जब m की दो वैल्यू आएंगे टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज एक क्वाड्रेटिक के टू डिस्टिंक्ट लिए लूं तो b ग्रेटर देन 0 और 2 टाइम्स ठीक है देयर शुड बी टू वैल्यूज नेक्स्ट देयर शुड बी टू रियल रूट्स डिस्टिंक्ट रियल रूट्स therefore b must be greater than 0 b by as b square a square minus 4 into 2b into b greater than 0 so a square aa gaya greater than 8 b square is the result note kariye question number 8 normal to parabola y square is equal to 12x at p 3,6 normal to parabola y square is equal to 12x at p 3,6 meets it again at q find equation of circle with pq as diameter T पे नॉर्मल आगे जाके पैराबोला को कट कर रहा है किसी पॉइंट Q पे तो हमें PQ और डायमीटर लेकर के जो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी वो कैलकुलेट करनी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8
x minus 3 x minus 36 plus 5 minus 6 into y plus 20. क्यों आ रहा है 36 कॉमा माइनस 24 माइनस 24 गलत आ रहा है और 27 कॉमा 18 गलत आ रहा है और 27 कॉमा माइनस 18 अनु सही है y स्क्वायर इक्वल टू 12x ये पैराबोला है तो 4a इक्वल टू 12 तो a की वैल्यू 3 ये पॉइंट p 3.6 जो है उसको मैं लेता हूँ ए टी वन स्क्वायर कमा टू ए टी वन बराबर है ये 3.6 कंपेयर करो y क्वाड्रेंट कंपेयर किया करो x से फिर नेगेटिव पॉजिटिव रोल रहता है ठीक है तो 2 इंटू 3 इंटू टी वन बराबर 6 तो टी वन की वैल्यू कितनी आ गई 1 अब ये अगर पैराबोला के किसी दूसरे पॉइंट टी टू पे जाके मिलेगा टी पे टी वन पे नॉर्मल जाकर के टी टू पे मिलता है तो क्या है पैरामीटर टी टू बराबर माइनस टी वन माइनस टू अपॉन टी वन ये होता है टी वन की वैल्यू रखते हैं 1 तो माइनस 1 माइनस टू अपॉन 1 मतलब माइनस टू कितना आ गया माइनस 3 इस पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या होगा 2 ए टी टू स्क्वायर कॉमा माइनस टू ए टी टू सॉरी कॉमा टू ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू ए की वैल्यू 3 ए टू की वैल्यू माइनस 3 तो क्या आ गया माइनस 3 का स्क्वायर 9 into 3, 27. 2 into 3 into minus 3, minus 18. ये P पता है, Q पता है तो आप PQ को डायमीटर लेकर के सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं. डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन सभी को पता है. बोल देंगे. ये पॉइंट है P, ये है Q. Therefore, सर्कल में EQS diameter x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to zero. The answer? बताए कोई problem हो इसमें किसी को? ये था question number 8, 9. Find locus of a point. Both such that two of the normals drawn from it to parabola. Y square is equal to 4ax are at right angle. Find locus of a point moves such that two of the normals drawn from it to the parabola y square is equal to 4ax are at right angle. एक पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रा करें तीन होते हैं नॉर्मल उनमें से दो 90 डिग्री पर हो ऐसा पॉइंट हो तीन तो ड्रा होते हैं उनमें से दो 90 बना रहे हो तो उस पॉइंट का लोकस क्या होगा लिखा ना टू ऑफ द नॉर्मल्स टू आउट ऑफ थ्री बना लीजिए इसको
क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ले पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस पर किसी पॉइंट पी एच के से थ्री नॉर्मल्स ड्रा करें। मान लीजिए दो परपेंडिकुलर है m1 m2, इस पॉइंट का लोकस निकालना है, इस पॉइंट को क्या ले लेंगे एच के, जिसका लोकस निकालना है जहां से तीन में से दो नॉर्मल क्या है परपेंडिकुलर। नॉर्मल की क्वेश्चन क्या होगी y इक्वल टू mx माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू, सिंस एच के इज ऑन इट रखेंगे इस पे तो k बराबर एम एच माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू, एक क्यूबिक बन गई ए एम क्यू प्लस टू ए माइनस एच इंटू एम प्लस k इज इक्वल टू जीरो। इस क्यूबिक के तीन रूट हैं लेकिन उसमें से दो क्या है का प्रोडक्ट माइनस वन है, तो यहां से हम कह सकते हैं m1 into m2 into m3 माइनस के बाई ये होता है m1 into m2 की जगह पहले होगा माइनस 1, तो m3 कितना आ गया k बाई। अब ये जो m3 है या m1 है या m2 है ये सभी इसके रूट हैं फर्स्ट इक्वेशन के, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बस आ गए रिलेशन h के में m3 इस रूट ऑफ इक्वेशन वन, देयरफॉर क्या रख दीजिए एम थ्री की वैल्यू ए इंटू एम थ्री क्यू मीन के क्यू अपॉन ए क्यू प्लस टू ए माइनस एच इंटू के अपॉन ए प्लस के इज इक्वल टू जीरो। एक के से डिवाइड कर सकते हो, एक यहाँ ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, के स्क्वायर प्लस टू ए माइनस एच इंटू ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, लोकस हो गए वाई स्क्वायर माइनस ए एच प्लस थ्री ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल पे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। PP and T2 are tangents to parabola. Y square is equal to 4x and normals at P and Q meet at R on curve. Find the locus of circumcenter of triangle TPQ. Locus of circumcenter of triangle TPQ. PP or TQ tangent size parabola pe. Y square is equal to 4x. और P और Q पे जो normal है वो curve पे ही R point पे मिलता है। जो TPQ ट्रायंगल बनेगा उसके सर्कम सेंटर का लोकस कैलकुलेट करना है। नोट करें क्वेश्चन जल्दी से और सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10।
PPQT की टेंजेंट्स है इस पैराबोला पे। देखिए ऐसे डायग्राम बनाते हैं, T से टेंजेंट्स ड्रा की गई टी पी एंड टी क्यू। देखिए ऐसे मैं डायग्राम बना रहा हूं, टी पी की टेंजेंट है और ऐसे ये टी क्यू आर, ठीक है। अब क्या कहा गया, पी और क्यू पे जो नॉर्मल है, पी पे नॉर्मल एंड क्यू पे नॉर्मल, इसी पैराबोला पे कहां मिल रहा है टेंजेंट, ये नॉर्मल थी एन एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री। थोड़ा और बेटर बना सकते हैं ये हरियो टी पी टी क्यू टेंजेंट्स है, ये नॉर्मल। अब कहा गया इस टी पी क्यू ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका जो सर्कम सेंटर होगा, इसका जो सर्कम सर्कल होगा उसके सेंटर का लोकस, जो टी पी क्यू इन तीन पॉइंट से सर्कल पास होगा वो इस आर से भी पास होगा, देखिए ये दोनों का सम 90 90 180 तो ये इनका भी 180, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो मतलब जिस सर्कल पे टी पी क्यू होंगे उसी सर्कल पे आर भी आएगा। हमसे कहा गया इसके सेंटर का लोकस, तो ये टी आर उसमें डायमीटर होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा वही इसका सेंटर है, इसका लोकस निकाल, इसका मिड पॉइंट ये दो। इस पॉइंट को अज्यूम करते हैं, मान लीजिए पॉइंट है टी वन, ये है टी टू, ये टी थ्री, ये पॉइंट टी क्या होता है टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका कोऑर्डिनेट लिखें ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू, ठीक है। जो टी है ये है ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू, और आर जो है वो है ए टी थ्री स्क्वायर इनका मिड पॉइंट निकालिए, मिड पॉइंट ही तो एच के, वो सेंटर में सेंटर है, एच बराबर कितना आ गया टू ए प्लस ए टी थ्री स्क्वायर बाय टू, एंड के बराबर माइनस ए टी थ्री प्लस टू ए टी थ्री बाई टू, यहां से टी थ्री की वैल्यू आ गई टू के अपॉन ए, इन दोनों से हमें टी थ्री एलिमिनेट करना है, आंसर आ गए बिकॉज मल्टीप्लाई करो टू एच बराबर माइनस टू ए इज इक्वल टू ए, टी थ्री वैल्यू रखेंगे फोर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए के कैंसिल एक टू कैंसिल, तो यहां से आ गया लोकस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस ए, ये आंसर आ रहा है, देखिए चेक करिए सभी लोग। सर ये समझ नहीं आया कि मिड पॉइंट क्यों कहा आपने, मिड पॉइंट ये डायमीटर है टी आर डायमीटर, क्योंकि 90 डिग्री एंगल किस में होता है डायमीटर, सीधी सेंटर में, तो टी आर डायमीटर तो मिड पॉइंट की तो सेंटर हुआ, सर्कम सेंटर मतलब, हां सर ठीक है, आर से इसके पास हो रहा है क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है, अब वो ये कैंसिल इसका सम 180 डिग्री है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है बताइए समझने में से। सर आप